इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन का कलेजा मुंह को आ जाता है। दुश्मनों को ठिकाने लगाने के ना जाने कितने ही रिकॉर्ड इसके नाम हैं। जो भी दुश्मन रडार पर आया उसको मिटाकर ही दम लिया इस एजेंसी ने। लेकिन अभी चर्चा मोसाद के ऑपरेशन की नहीं बल्कि उन दो महिलाओं की है जो मोसाद में पहली बार बड़े पदों पर कार्यभार संभालेंगी। इसराइल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक एजेंसी में अब दो महिलाएं एल्फ और कुफ टॉप पोजीशन पर काम करेंगी। मोसाद ने पहली बार किसी महिला को डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के पद पर तैनात किया है। एजेंसी के मुताबिक कुफ पहले से ही ईरान डेस्क के हेड के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही है। एजेंसी ने ब्लर करके एल्फ की एक तस्वीर भी जारी की थी ताकि एजेंट की सुरक्षा को किसी तरह का कोई खतरा ना हो। इन दोनों एजेंट को ए और के नाम दिया गया है, हिब्रू में जिसे एल्फ और कुफ के तौर पर जाना जाता है। एजेंट ए यानी एल्फ पिछले 20 सालों से मोसाद के साथ है, लेकिन अब उनकी पोजीशन इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ के इंटेलिजेंस हेड के बराबर की होगी। वो ईरानी परमाणु कार्यक्रम और वैश्विक आतंकवाद जैसे अहम मुद्दों की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। वहीं कई खुफिया ऑपरेशन पर भी इनकी नजर होगी। इसके अलावा एल्फ पर सभी खुफिया डाटा की जिम्मेदारी भी होगी। वहीं मोसाद की ईरान डेस्क पर तैनात कुफ को संगठन की रणनीति को और मजबूत करने का जिम्मा सौंपा गया है, जो ईरान के खतरों से निपटने में मोसाद की मदद करेंगी। साथ ही हर स्पेशल ऑपरेशन के को कोऑर्डिनेटर की अहम जिम्मेदारी भी संभालेंगी। और ऐसा कहा जाता है कि मोसाद ने चाह लिया तो अपराधी दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना छुपा हो, वो उसे ढूंढकर सजा दे ही देता है। अब अपने दुश्मनों को सजा देने का फैसला मोसाद की ये महिला अधिकारी भी करेंगी।